छात्र छात्राओं नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 6 स्वामी विवेकानंद के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा नरेंद्रनाथ। खा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य मातुहु नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? उत्तर है भुवनेश्वरी देवी। प्रश्न क्रमांक गा, नरेंद्रनाथस्य पितुहु नाम किम आसीत। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा विश्वनाथ दत्तः, अर्थात विश्वनाथ दत्त। घा प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्? नरेंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ? उत्तर होगा कोलकाता नगरे, अर्थात कोलकाता नगर में। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य गुरुः नाम किम, अर्थात नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या है? उत्तर है रामकृष्ण परमहंस, अर्थात रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। का प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत्? नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा नरेंद्रनाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रिस्ताब्दे अभवत्, अर्थात नरेंद्रनाथ का जन्म जनवरी माह की 12 दिनांक को सन 1863 में हुआ। खा प्रश्न है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कहा अभवत्? शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए? उत्तर होगा शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदा अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए। प्रश्न क्रमांक गा, स्वामी विवेकानंदा कदा ब्रह्मलीनो अभवत्? स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए, अर्थात स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? उत्तर है स्वामी विवेकानंदा जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रिस्ताब्दे। यहाँ 1802 लिखा हुआ है, आप लोग इसको 1902 कर लें, अर्थात जुलाई माह की 19 जुलाई माह की 4 दिनांक को सन 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोग एक बार पुनः देख लें, स्वामी विवेकानंदा जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांक के 1902 ख्रिस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत्। 1902 ख्रिस्ताब्दे करना है आप लोगों। घा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर किम कथनम अस्ति? रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है? रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कथन है? रविंद्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति, रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, यत यानि कि कोऽपि यदि कोऽपि
भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। रा है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च, कहा उनके लिए या युवाओं के लिए प्रेरक प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं। तो यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंदा, उनके लिए युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले स्वामी विवेकानंद हैं। प्रश्न क्रमांक 3 उचितम योज्यत, अर्थात उचित जोड़ियां बनाइए। यहाँ जोड़ियों के प्रश्न के साथ में उत्तर लिखे हुए हैं, आप लोग इनके अनुसार हल कर लें। का है नरेंद्रनाथायेव स्वामी विवेकानंदा, खा है नरेंद्रनाथस्य माता भुवनेश्वरी देवी, गा है नरेंद्रनाथस्य पिता विश्वनाथ दत्ता, घा है नरेंद्रनाथस्य गुरु रामकृष्ण परमहंसा, ड़ा है नरेंद्रनाथस्य प्रिय शिष्या भगिनी निवेदिता। प्रश्न क्रमांक 4 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नायति लिखत, अर्थात जो वाक्य शुद्ध हैं उनके सामने हमें आम अर्थात हाँ लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध हैं उनके सामने ना यानी नहीं लिखना है। का वाक्य है पुरुषम कुरु, अर्थात पुरुषार्थ करो, सही वाक्य है इसलिए इसका उत्तर होगा आम। खा है आत्मभावस्य विकासा एव कर्म, आत्मा की भावना का विकास ही कर्म है, उत्तर आम। गा है जीवनस्य अर्थ उन्नति नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, इसका उत्तर होगा ना। स्वार्थ भावा एव मृत्यु, स्वार्थ की भावना ही मृत्यु है, उत्तर होगा आम। परोपकारा अपवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार अपवित्र कार्य है, इसका उत्तर होगा ना। प्रश्न क्रमांक 5 उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। का है प्रतिग्रहणस्य कामनाम, विकल्प दिए हुए हैं कुरु मा कुरु, यानी वापस लेने की इच्छा करो या मत करो, किसी को कुछ देने के बाद वापस देने की इच्छा करो या ना करो, तो इसका उत्तर होगा ना करो या अर्थात मा कुरु। खा है चारित्र बलम भारयत या धारयत, तो यहाँ उत्तर होगा धारयत। गा है नरेंद्रनाथस्य पिता आसीत भाषकः या अभिभाषकः, भाषण देने वाले या वकील, तो यहाँ उत्तर होगा अभिभाषकः। घा है अनात्मभावस्य विकासा एव कर्म है या अकर्म, तो अनात्मभावस्य यानि अनात्मा की भावना का विकास ही अकर्म है, यहाँ उत्तर होगा अकर्म। ड़ा है स्वामी विवेकानंदस्य जन्म अवत कोलकाता नगरे या मुंबई नगरे, तो यहाँ उत्तर होगा कोलकाता नगरे। पांचों रिक्त स्थानों के उत्तर हैं का माकुरु, खा का धारयत, गा का अभिभाषका, घा का अकर्म, ड़ा का कोलकाता नगरे। प्रश्न क्रमांक 6 नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं आपके लिए दीक्षानंतरम प्रसिद्धो अवत एवा कर्म तस्यावधारणा अनेनेव कार्यमस्ति, यहाँ हम संधि विच्छेद करते हैं, आप लोग दिए हुए अनुसार कॉलम बनाकर इसी प्रकार हल करें। दीक्षानंतरम शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा दीक्षा धन अनंतरम, संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है,
क्योंकि धन के दोनों ओर एक समान स्वर आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। प्रसिद्धो अववत, प्रसिद्धः धन अववत, धन के पूर्व विसर्ग आने के कारण यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रसिद्धा अववत विसर्ग संधि। अगला है गा, एवा कर्म, यहाँ संधि विच्छेद होगा, एव धन अकर्म, स्वर संधि है, ये भी दीर्घ संधि है क्योंकि धन के दोनों ओर एक समान स्वर आ रहा है। तस्य अवधारणा, तस्य धन अवधारणा, दीर्घ स्वर संधि। अनेन धन एव वृद्धि स्वर संधि है, धन के पूर्व आ आने पर तथा धन के बाद में पहला अक्षर यदि ए ऐ ओ औ होता है तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है, इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि है। कार्यम अस्ति, यहाँ कार्यम धन अस्ति, धन के पूर्व शब्द में हल लगा होने पर अर्थात व्यंजन होने पर व्यंजन संधि होती है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। दीक्षा धन अनंतरम स्वर संधि। प्रसिद्धा धन अववत विसर्ग संधि। एव धन अकर्म स्वर संधि। तस्य धन अवधारणा स्वर संधि। अनेन धन एव स्वर संधि। कार्यम धन अस्ति व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक 7, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कृत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। यहाँ शब्द दिए हुए हैं लोक सेवकः, परोपकारः, परिव्राजक दीक्षाम, जीवन गति ही, ईश्वर प्राप्ति ही। हम समास विग्रह करते हैं, लोक सेवकः अर्थात लोक का सेवक विग्रह होगा, लोकस्य सेवक तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद दूसरे पद के अर्थ को निश्चित करता है तथा विग्रह करते समय द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निश्चित ही तत्पुरुष समास होता है। लोक का सेवक, लोकस्य सेवक तत्पुरुष समास। परोपकारः, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, तो यहाँ परेशाम अर्थात दूसरों पर उपकारः यानी उपकार, दूसरों पर उपकार, ये भी तत्पुरुष समास है। यदि हम उपकार अकेला शब्द देखेंगे तो यहाँ हम तय नहीं कर सकते कि किसके ऊपर किस पर उपकार किया गया है, लेकिन पहला शब्द परेशाम ये निश्चित कर रहा है कि दूसरों पर उपकार किया गया है, यहाँ इसलिए तत्पुरुष समास होगा। खा वाले का समास विग्रह है परेशाम उपकारा, तत्पुरुष समास। गा है परिव्राजक दीक्षाम, यहाँ इसका समास विग्रह परिव्राज का नाम दीक्षाम, संन्यास की दीक्षा। यहाँ आप षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग परिव्राजकस्य, परिव्राजकस्य दीक्षाम अर्थात संन्यास की दीक्षा को, तत्पुरुष समास। जीवन गति का समास विग्रह है जीवनस्य गति, ये भी तत्पुरुष समास है। ईश्वर प्राप्ति का ईश्वरस्य प्राप्ति, ये भी तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 8, मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, दिए हुए शब्दों के मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखना है हमें, तो जो शब्द दिए हुए रहते हैं इनको हम बालक बालिका फल इनके अनुसार इनके मूल शब्द, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है वह, वचन कौन सा है और लिंग कौन सा है ये देखते हैं। यहाँ शब्द दिए हुए हैं ज्ञानम कार्यम अनेन ईश्वरः दीनः क्रीडासु एतेषां शः, इनका हम दिए हुए सारणी के अनुसार हल करेंगे। ज्ञानम
ज्ञानम का मूल शब्द ज्ञानम ही है, क्योंकि यदि फलम लिखा हुआ है तो उसका मूल शब्द भी फलम होगा। ऐसी ज्ञानम नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए ज्ञानम का मूल शब्द ज्ञानम है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कार्यम भी मूल शब्द कार्यम है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। अनेन, अनेन का मूल शब्द होता है इदम्, यह के लिए यह प्रयोग किया जाता है, तो इदम् पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। ईश्वरः, ईश्वरः मूल शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार दीनः भी मूल शब्द दीना ही होगा, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। क्रीडासु, ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्रीडासु खेलों में, क्रीडा यानी खेलना होता है, इसका मूल शब्द है क्रीडा, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। एतेषाम, एतेषाम का मूल शब्द होगा एतत्, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। शः का मूल शब्द होगा तद्, अर्थात वह के लिए प्रयोग किया जाता है, इस यह पुल्लिंग है, सर्वनाम पुल्लिंग है, ये सः का मूल शब्द होगा तद्, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। प्रश्न क्रमांक 9, अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ दिए हुए शब्द हैं चा, अर्थ होता है और, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, माँ का अर्थ होता है मत, तदा यानि तव, और यदि का अर्थ होता है यदि। यहाँ दिए हुए अनुसार आप लोग वाक्य प्रयोग कर लें। रा चा का प्रयोग है रामः मोहना च गच्छतः, राम और मोहन जाते हैं। यहाँ गच्छतः इसलिए दिया गया है क्योंकि राम और मोहन दो हैं और द्विवचन होने के कारण यहाँ गच्छता होगा, रामा मोहना च गच्छता। खा है एवं अस्तु, इस प्रकार हो, माँ असत्यम माँ वद, अर्थात असत्य मत मत बोलो, तदा यानि तव, परिश्रमम करिष्यति तदा सफलता मिलिष्यति, परिश्रम करते करेगा तभी सफलता मिलेगी। यदि का अर्थ यदि होता है, यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम इच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः, अर्थात यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। वाक्य में शब्द का, दिए हुए शब्द का जहाँ पर प्रयोग हुआ है उसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। पहले वाक्य में चा को अंडरलाइन करेंगे, दूसरे वाक्य में एवं को, तीसरे में माँ को, घा वाले में तदा को और अड़ा वाले में यदि को आप लोग अंडरलाइन कर लें। धन्यवाद छात्रों।